टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष दोनों ही हॉकी टीमों के परफॉर्मेंस ने काफी चौंकाया है, लेकिन खिलाड़ियों, कोच और टीम के बाकी स्टाफ की मेहनत के साथ साथ एक और नाम की बड़ी चर्चा हो रही है, जिसने न सिर्फ टीम का मनोबल बढ़ाया बल्कि खेल में निवेश, युवाओं में निवेश का नारा देकर दोनों हॉकी टीमों की उस वक्त मदद की जब उन्हें वित्तीय सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये नाम है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का। उनका भारतीय खेलों के प्रति जज्बा ही है कि आज वो भारत में हॉकी के असली नायक बनकर उभरे हैं। इन दो तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नवीन पटनायक के लिए हॉकी के क्या मायने हैं। पहली तस्वीर भारतीय महिला हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में जीत के कुछ देर बाद की है। इस दौरान काली टी शर्ट और पजामा पहने 74 साल के पटनायक ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी महिला हॉकी टीम का खेल कितना शानदार रहा। दूसरी तस्वीर में उन्हें मेंस हॉकी टीम के लिए खड़े होकर ताली बजाते देखा जा सकता है। ये खुशी तब की है जब भारत ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा था। आम तौर पर ओलंपिक जैसे खेलों में टीमों को कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन भारतीय हॉकी की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ ओडिशा की सरकार उन्हें स्पॉन्सर कर रही है। 2018 में जब सहारा भारतीय हॉकी टीमों को प्रायोजित करने से पीछे हट गया, तो ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ अगले 5 साल हॉकी टीमों को प्रायोजित करने के लिए 100 करोड़ का समझौता किया था। तब उन्होंने इसे ओडिशा की तरफ से देश को एक तोहफा बताया था। हालांकि ओडिशा जैसे राज्य के लिए 100 करोड़ रुपए हॉकी पर खर्च करने को लेकर नवीन पटनायक को आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। आलोचकों ने इसे लेकर हैरानी जताई थी कि बार बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले राज्य कैसे इतना खर्च वहन कर पाएगा। जैसे ही हॉकी में देश की दावेदारी बढ़ी, पटनायक खुश हो गए। ठीक 3 साल बाद ओडिशा सरकार ने सभी राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में पूरे पन्नों का विज्ञापन देकर घोषणा की। इस उल्लेखनीय यात्रा में हॉकी इंडिया के साथ भागीदारी करके ओडिशा को गर्व है। उन्होंने 5 सालों में प्रयोजन राशि को भी बढ़ाकर 150 करोड़ कर दिया है। ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि 38 चैंपियनों ने हॉकी में इतिहास लिखा। 1.3 अरब भारतीय अब सीना तान कर चलते हैं। हॉकी से ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का जुड़ाव उनके बचपन के दिनों से ही है। दून स्कूल में वो टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। 2017 में उनकी सरकार ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीतने वाले कलिंगा लैंसर्स क्लब को भी स्पॉन्सर किया था। साल 2018 में ओडिशा में हॉकी वर्ल्ड लीग हुई। इसी साल ओडिशा ने FIH मेन सीरीज के फाइनल और ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर की मेजबानी की। वहीं 2020 में FIH प्रो लीग भी हुई। 1970 के दशक के अंत में क्रिकेट के लोकप्रिय होने के बाद से हॉकी हाशिए पर जा रहा था। लगातार 5 बार से ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक को राष्ट्रीय खेल के लिए योगदान करने की इच्छा पूरी करने का मौका मिला है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि नवीन पटनायक शायद खेलों के माध्यम से एक विरासत छोड़ना चाहते हैं और ओडिशा की छवि को एक ऐसे राज्य के रूप में मिटाना चाहते हैं जो अपनी गरीबी या प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाता है। संयोग से वह ओडिशा के पहले सीएम थे जिसने हॉकी खिलाड़ी को राज्यसभा सांसद बनाया था। ओडिशा का हॉकी से जुड़ाव का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। राज्य में 2023 में FIH मेंस हॉकी विश्व कप भी होगा।